दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी को लेकर जवान डायरेक्टर एटली का शानदार रिएक्शन सामने आया है। डंकी का फिलहाल बहुत ज्यादा क्रेज और हाइप बना हुआ है और ये फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। वही डायरेक्टर एटली से पूछा जाता है कि सालार और डंकी में कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो डायरेक्टर एटली कहते हैं कि वो डंकी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये राजू हिरानी की फिल्म है। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राजकुमार हिरानी इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी रिमेक साउथ में बनती है। साउथ ऑडियंस भी उनकी फिल्मों को पसंद करती हैं और हिंदी में तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वही शाहरुख खान के साथ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये फिल्म है। इससे पहले भी उन्होंने काफी फिल्में बनाने की कोशिश की लेकिन हर बार शाहरुख बिजी रहते थे। अब 20 साल बाद पहली बार उनकी फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अभी तक डंकी और सलार का क्लैश था लेकिन अब एक्वामैन 2 भी पोस्टपोन होकर 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्मी एक्सपर्ट का कहना है कि पठान जवान के बाद डंकी भी 1000 करोड़ वाली फिल्म बन सकती है। वही डंकी के साथ सालार भी रिलीज होने जा रही हैं, तो ये क्लैश होता है तो सीधा नुकसान होगा सलार फिल्म को क्योंकि अभी सब लोग मास फिल्म बना रहे हैं तो लोग थोड़ा कुछ नया देखना चाहते हैं और वो नया उनको राजकुमार हिरानी की फिल्म में मिलेगा। जाहिर की बात है, पहले दिन सलार ज्यादा कलेक्शन करेगी लेकिन उसके 2 दिन बाद किंग खान की डंकी बहुत तेजी से आगे जाएगी। डंकी में जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और फिल्म के जरिए आपको दुनिया घूमने का एहसास भी होगा क्योंकि डंकी की शूटिंग अलग अलग जगह पर की गई है जिसमें आपको जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अलग अलग जगह के दमदार सीन देखने को मिलेंगे। सलार की ये लड़ाई है, ये पावर की लड़ाई है। डंकी की सीधी लड़ाई साउथ फिल्म सलार से देखने को मिल रही है और एक दूसरे के फैंस जमकर बवाल मचा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए ये फालतू की हेट फैलाना बंद करो क्योंकि सलार और डंकी दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी होगी लेकिन सलार ने जो डंकी के साथ क्लैश किया है वो बहुत गलत है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।